वीडियो में 2 अगस्त को जो CHSL प्री का एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये जो है थर्ड टफेस्ट शिफ्ट है, इसके पहले जो 2 टफ शिफ्ट है उसका भी सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको दिया गया है 1 साल 9 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडिंग एनुअली हुआ है। अगर इंटरेस्ट 1460 देना पड़ा तो कितना रुपए दिया गया था इंटरेस्ट पे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 1 साल के लिए जो रेट है वो तो 10% है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये 9 मंथ बचा इसके लिए भी तो निकालना पड़ेगा। तो 10% है 12 महीने के लिए, हमें चाहिए 9 महीने के लिए, तो ये आ गया 7.5%, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 15/2% भी बोल सकते हो जरूरत पड़े तो। हमें इन दोनों का आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। आर इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, अगर आप 2 साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 10 है, दूसरा है 7.5, और प्लस में 10 × 7.5/100 भी होगा, तो 17.5 में 0.75 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.25%। तो ये हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 18.25% का ही तो वैल्यू है 1460, हमें चाहिए 100% का वैल्यू। 100% कैसे आएगा, 1460 में 18.25 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 80 बार में चला जाएगा तो बच गया 8000। सही आंसर क्या है, 8000, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में है कि ए 15 दिन में काम करेगा, बी 25 दिन में, दोनों 5 दिन काम किया, बाकी काम को ए एंड सी 4 दिन में किया है, तो सी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पे ए है और इधर हमने बी ले लिया, ए जो काम करेगा 25 दिन में, ए बी 25 दिन में, ए जो है 15 दिन में, दोनों का LCM अगर हमने 75 अज्यूम कर लिया टोटल वर्क, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 15/75, बी का हो गया है 3। ए प्लस बी कितना दिन काम किया है पता चला, 5 दिन। अगर 5 दिन काम किया है तो दोनों मिलके 5 दिन 8, 40 वर्क कर लिया। बाकी का जो वर्क बचा है वो कितना बचा है, रिमेनिंग जो वर्क बचा है आपका 35 बचा है। क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड सी मिलके इसको 4 दिन में कर लेंगे, तो ए का एफिशिएंसी 5 है, सी का एफिशिएंसी कुछ है, और 4 दिन में ये लोग 35 काम कर रहे हैं, तो सी का जो वैल्यू होगा वो आपको दिख जाएगा 35/4 में 5 चला जाएगा, तो ये आ गया है 15/4। सी का एफिशिएंसी 15/4 है, तो पूरा का पूरा टाइम कितना लगेगा सी को पूरा काम कंप्लीट करने में, तो 75/15/4 है, तो 15/5 = 75 = 4 = 20, तो 20 डेज। सी अकेला 20 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता अगर उसे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता कि भैया तुम्हें अकेले ही करना है। तो आगे चलते हैं। 3 में कि एक डिजोनेस्ट शॉपकीपर मीन्स दुकानदार है जो बोला है कि देखो भैया हम कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, लेकिन वो 1 किलो के जगह 920 ग्राम ही यूज कर रहा है, तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ बताना है। देखो यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे सेल है, दुकानदार के पास से गया है 920 रुपये का, 920 ग्राम का माल, और उसे मिलेगा कितना 1000 ग्राम का, गया 4 से 23 बार में, 4 से 25 बार में, मतलब कि 23 के माल को 25 में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट हुआ है 2 का। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 2 का प्रॉफिट हुआ है 23 पे गुना का 100, तो 200/23 ये हो जाएगा 16 और 24 184, फिर 16 हो गया तो फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है, तो 8.7, और तो कुछ दिया नहीं 8.7 में, तो यही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है और रेडियस है 12 और 13, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो छोटे सर्कल को टच करेगा आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, कैसे होगा आइए देखिए। ये हो गया मान लेते हैं बड़ा सर्कल, ये हो गया छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल का एक कॉर्ड छोटे को टच कर रहा है, बड़ा वाला का रेडियस कितना है 13, छोटे वाले का रेडियस कितना है 12, तो जैसे ही सेंटर से आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को आप ज्वाइन करोगे, एक तो ये रेडियस आ जाएगा, ऊपर से परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। अभी बात क्या है, जैसे ही कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हुआ ये जो दोनों है ये तो हाफ हाफ में बट जाएगा, ए का वैल्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और 2a ही तो कॉर्ड है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाउ लॉन्ग ईयर में बताना है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड है 6% पर एनम जो है 40 इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। देखिए 6% पर एनम है, मान लेते हैं टी ईयर में ये जो 40% के इक्विवेलेंट हो गया, 40% से बढ़ा है, मतलब ये जो
इंटरेस्ट है ये 40% है, ना कि आपका प्रिंसिपल है। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/6, 20/3, जिसको 6 होल 2/3 बोल सकते हैं। तो 6 होल 2/3 ईयर्स में जो है 40% से इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक शोरूम है, उसमें मार्क्ड प्राइस और वेरियस आइटम जो है डिस्प्ले किया गया है इन सच अ मैनर, इस तरह से है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद ओनर को 20% का प्रॉफिट होता है, तो मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो है रेशियो क्या होगा। हमें पता है कि जो ये रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस का, कॉस्ट प्राइस बाई मार्क्ड प्राइस, ये होता है कि 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कीजिए और नीचे 100 में आप प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दीजिए। 10% डिस्काउंट देने के बाद मतलब 90 फायदा हुआ है 20% का, तो ये आ गया 3:4। और हमें रेशियो कौन सा निकालना है देख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का निकालना है। तो जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देंगे आप, मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 4:3। तो सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। वैसे 3:4 तो हो एंड 5:2 ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर मार्क्ड प्राइस कम रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो फिर फायदा नहीं होगा ना। 7 में कॉस बाई सेक माइनस वन एंड कॉस बाई सेक प्लस वन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आराम से दोनों को ऐड कर देते हैं, नीचे हो जाएगा एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऊपर आएगा कॉस इंटू सेक वन, तो 1+cos θ, फिर कॉस इंटू सेक वन, 1-cos θ। यहाँ से आ गया 2/tan²θ, जिसको आप 2cot²θ बोल सकते हो। सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक टेंजेंट ए बी है एक पॉइंट ए पे, सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू ओ एट बी, अगर बी ओ का वैल्यू 10 है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, आंसर है 8। कैसे हुआ ये देख लीजिए, ये सर्कल हो गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, जाके मिला है कितना 10 पे। अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर तो 10, 6 एंड 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है ना, इसलिए आंसर हो गया 8, क्योंकि हमें ए बी ए जो है आपका, यही ए बी का तो लेंथ निकालना था जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि शॉपकीपर जो है अपने गुड्स को 80% ज़्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट दे रहा है 48%, तो हमें लॉस परसेंट बताना है। आइए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस, इसने जो मार्क्ड प्राइस रखा है कितना रख दिया, 180 रख दिया, 48% का डिस्काउंट है, तो जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा इसका 52%, 52% निकाल लेते हैं। तो 18 × 36, 18×5=90 एंड 3×93, ठीक है। सो 18 × 36 था ना, और 90 एंड 3×93 93.6 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसे लॉस कितने का हुआ है, लॉस आपको दिख रहा है यहाँ से, 100 का माल अगर आप 93.6 में बेच रहे हैं तो आपको 6.4% का लॉस हुआ है, और 6.4% ही आपका है 6 होल 2/5%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं तो पता नहीं इस क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व किया होगा आपने, और आंसर 1 आता है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1-sin²a, जो कि होगा cos²a। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा sin²a = cos²a। इस sin²a को लिख लेंगे 1-cos²a। अभी यहाँ पे कंबाइन कीजिए तो 1 का वैल्यू आ गया है cos²a + cos²a, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बार ग्राफ देखकर बताना है। अच्छा, बार ग्राफ में है सेल्स ऑफ वेरियस आइटम इन शॉप फॉर 1 डे। बार ग्राफ को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। रेशियो बिटवीन सेल ऑफ व्हीट एंड राइस एंड ऑल्सो द रेशियो बिटवीन सेल ऑफ शुगर एंड अनियन क्या होगा। सबसे पहले व्हीट एंड राइस, व्हीट 10 है और ये 20 है, तो 10:20 मतलब 1:2 हो गया। अभी 1:2 वाला एक ही ऑप्शन है तो और चेक करने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सुहास 3.5 मीटर टॉल ट्री एंड 11.25 मीटर टॉल बिल्डिंग आर पोजिशन सच दैट देयर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर एंड ट्री लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड द बिल्डिंग। ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फर्दर आइज ऑफ सुहास द टॉप ऑफ ट्री एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग फॉल इन वन लाइन आइज ऑफ सुहास आर एट द हाइट ऑफ 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट अ वाइड डिस्टेंस। चलिए बहुत स्टोरी हो गया भाई। ऐसा सीन है कि एक बच्चा है जिसका नाम है सुहास,
इसका हाइट दिया है 1.8 मीटर, इसके आंख का तो 1.8 मीटर हो गया। फिर है 3.15 मीटर टॉल ट्री, ट्री जो है वह सुहास एंड बिल्डिंग के बीच में है, तो बिल्डिंग इधर कहीं होगा। बिल्डिंग का हाइट कितना है 11.25 मीटर, और यहाँ पे जो ट्री है ना, ट्री का हाइट कितना दिया है 3.15 मीटर। चलिए हो गया, सबका हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बोला है कि ट्री इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, ये जो है 45 मीटर पे है, तो हमें बताना है कि सुहास एंड ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यही है ना। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट कितना है, ये 3.15 है, तो ये पार्ट भी 3.15 हो जाएगा, बचेगा कितना 8.1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर का जो पार्ट है ये तो 1.8 हो जाएगा, ये जो छोटा सा पार्ट है कितना बचेगा 1.35 बचना चाहिए ना, तो 5, 8, 3, 11, हाँ 1.35 हो गया। तो अभी आपको ऐसा करके एक सिनारियो दिख रहा होगा, चलिए हम अच्छे से दिखा देते हैं। ये ऐसा करके सिनारियो है, ठीक है, ये है आपका 8.1, यहाँ पे है आपका 45, ए एक्स हमें निकालना है, इधर है 1.35। क्या हम बोल सकते हैं कि ए थीटा है तो ये भी थीटा है, बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते। तो अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा, टेन थीटा का वैल्यू एक ट्रायंगल में आ रहा है 1.35 बाई एक्स, दूसरे ट्रायंगल में है आपका 8.1 बाई 45। तो कैसे करेंगे, 27 * 81 तो 0.3 टाइम्स में, 27 * 25 = 135 तो 0.5 टाइम्स में, ठीक है, 0.5 नहीं 0.05 टाइम्स हो जाएगा ना। और ए एक यहाँ पे कट जाएगा 15 * 5 = 75, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर आ गया, मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 13 में क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 24 है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस है 42 सेंटीमीटर, तो हमें कोन का वॉल्यूम बताना है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मतलब कि 2πr का वैल्यू है 42, r हो गया आपका 21। हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, क्या आएगा 1/3, पाई का वैल्यू तो हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 * 21 और हाइट है आपका 24, 21 से 21 चला गया, 24 * 48 और 48 और 4 = 52, इसको 21 से करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 एक ही में है तो यही आंसर होगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2x + 2/x का वैल्यू 5 है तो x³ + 1/x³ + 2 का वैल्यू निकालना है, x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2, x³ + 1/x³ कितना होगा x + 1/x³ - 3 × x + 1/x, तो 125/8 में से 15/2 को माइनस करना होगा, तो ये 8 आएगा, 15 * 4 = 60, ये आ गया 65/8, और इसके साथ 2 ऐड भी तो करना है, तो आंसर क्या आ गया 65/8 में 2 ऐड करेंगे तो 65/8, 65 और 16 कितना होता है 81, 81/8, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है इसमें से कौन सा जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करने और कोई ऑप्शन नहीं है, 8, 2, 0, 1, 8 * 2 = 10, 1 = 11, 11 से डिविजिबल है, 7, 1 - 9, 1, 0 आगे ऐड करके 11 से डिविजिबल है, 2, 1 - 4, 1, ये कितना हो गया 0 आ गया, तो यही ऑप्शन बचा है डिविजिबल नहीं होगा, करके देख लीजिए, -3 डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, ये कितना हो गया आपका -2, तो जो सम है टोटल आ रहा है -2 तो 11 से डिविजिबल नहीं है ना, इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि 5x + 3y का वैल्यू 15 है, 2xy का वैल्यू इतना है, तो 5x - 3y का वैल्यू निकालना है। आइए 5x - 3y का वैल्यू आखिर होगा कितना, यही सवाल है, इसका आ जाएगा √5x + 3y के होल स्क्वायर में 4 × 5x * 3y को माइनस कर दिया, क्या आ रहा है
15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 × 15 चौके 60 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है आपका 3, तो 60 × 3 = 180 तो 180 आ गया। रूट के अंदर 45 है जिसका वैल्यू आप 3√5 लिख सकते हैं, तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। 17 में कॉट का वैल्यू पता है, कौशेक स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो जो कौशेक स्क्वायर थीटा है तो आपका 1 + cot² θ होता है, कितना हो जाएगा 1 + 81/289 यूनिट जी जी। अच्छा तो यही दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सीधे का सीधे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि जीनत एंड नसरीन जो है पार्टिसिपेट करती है एक सर्कुलर रेस में जिसका लेंथ है 1.2 किलोमीटर, वो 18 किलोमीटर पर आवर एंड 27 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करती है सेम पॉइंट से, कितने देर के बाद वो लोग मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, पहली बार के लिए जो टाइम होगा ना, टाइम फॉर फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान दे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसके लिए किसी डायरेक्शन में जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है आपका LCM ऑफ T1 T2। T1 T2 क्या है, इंडिविजुअल टाइम है जिसमें वो लोग चक्कर कंप्लीट करेंगे, तो LCM। डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर, एक जा रहा है 8 और दूसरा जा रहा है 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस को 27 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से, तो LCM निकालने के लिए न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे जो कि 1.2 आएगा, एंड डिनोमिनेटर का क्या होता है HCF होता है, ध्यान दें 18 एंड 27 का HCF निकालेंगे, तो 1.2 / 9 हो गया, ये तो आपका कितना हो गया है आवर हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1.2/9 × 60 मिनट्स हो गया, तो 12 × 72 8 मिनट आ गया, 8 मिनट में वो लोग पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। 19 में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, चलिए ठीक है, पाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ विजिटर्स इन अ पार्क इन अ मंथ, ओके, टेबल दिखा रहे हैं मेल एंड फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजिटर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, चलिए ये है एज एंड ऐसे करके, क्वेश्चन में दिया है कि 2000 मेल विजिटर्स एंड 1500 फीमेल विजिटर्स वर देयर इन ऑल, देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर्स इन ग्रुप 25 to 35 टू फीमेल विजिटर्स इन ग्रुप 45 to 60 क्या हो, तो हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो में क्या है न्यूमरेटर में हमें लिखना है 25 से 35 में मेल विजिटर कितने हैं, 25 से 35 में टोटल कितने विजिटर जा रहे हैं 27% जा रहे, तो 27 हो गया, ध्यान रहे 100% का वैल्यू कितना है, ये तो टोटल विजिटर है, 100% का वैल्यू है 2000 और 1500 मिलाएंगे तो 3500, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 35, तो टोटल विजिटर कितने हैं 27% जो है 25 से 35 में, तो इनका नंबर हो जाएगा 27 × 35, ये हो गया टोटल विजिटर, मेल चाहिए तो मेल तो इसका 60% है, 60% का मतलब क्या होगा 3/5 मेल हो गया, अभी हमें 45 to 60 में जाना है, तो 45 to 60 में 29% लोग हैं, 29 × 35 टोटल विजिटर हो गए, इसका हमें चाहिए क्या फीमेल, फीमेल किधर है 45 to 60 में, 45 to 60 में 20% फीमेल है, 20% का मतलब हो गया 1/5, ये रेशियो क्या होगा गया 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 गया, तो 81:29 आ गया, डेटा बहुत दिया था और सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 में बोला है कि हुसन का मंथली इनकम है 45,000 और उसका एक्सपेंडिचर है 33,000, अगर इनकम को इंक्रीज किया 22% और एक्सपेंडिचर को 11%, तो हमें बताना है सेविंग में क्या नया इसका सेविंग कितना होगा, ओके ये 45,000, ये आपका कितना हो गया 33,000, और ये है इधर क्या प्लस सेविंग कितना हो जाएगा, तो फिर 12,000 सेविंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, इनकम इसका इंक्रीज हुआ है 22% से, मतलब इसमें 22/100 इतना ज़्यादा रुपए ला रहा है घर पे, इनकम में क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ इसका 11% मतलब 11/100 इतना चला गया, तो बाकी जो भी बचा वो कहाँ पे चला जाएगा सेविंग्स में, कहने का मतलब 22% कितना होगा 45,000 का गया गया 0, 22 + 5 = 110, 88 और 11 = 99 सो 9900 ज़्यादा हो गया, सही है ना, 22 + 5 = 110, 88 + 11 खर्चा कितना हो गया 0, 11 + 33, 33 + 3 = 36, 3630 ज़्यादा खर्चा हो गया, तो जो नेट सेविंग में जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ से तो चला जाएगा 70, तो ये 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया
तीन, 9 में से 3 का 6, 6,270 रुपये एक्स्ट्रा सेविंग हो गए। टोटल सेविंग्स कितना हो गया? 1,870 रुपये। एक मिनट, 6,270 तो 18,270 रुपये सेविंग हो गया टोटल। तो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 1। 21 में बोला है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको 25 एंड 45 का, मतलब 25/45 इक्वल टू 45/b। बी का वैल्यू कितना हो गया? 45 × 45 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ गया 81। तो सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। 22 में कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक टेबल है जिसमें इंडिकेट किया है स्टूडेंट स्टडिंग इन 3 डिसिप्लिन एंड 4 डिफरेंट कॉलेजेस। निकालना क्या है? कॉलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स। कॉमर्स में किस कॉलेज में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 520 इतना, तो मिनिमम नंबर सी में। अरे ये तो ऐसे ही देख के बता देना था, सी में। 23 में बोला है कि 3 साइड है आपका 924 एस यूनिट, तो एस का क्या कंडीशन होगी? एस बाकी दोनों के सम से कम होगा और दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, तो 15 से लेकर 33 तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दे, इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, तो इक्वालिटी नहीं लिख देना है, कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं होगा। 24 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए। ये क्या हो जाता है? ये सीधे से आएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से आपको 2 माइनस करना है, आंसर निकल के आएगा 47। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 5 में कि एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली 25 है, यंगेस्ट मेंबर 4 साल का है, तो एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर क्या था? आपको ध्यान लेना है कि नया मेंबर आएगा तो उसके एज को 0 ईयर लेके चलना है। एक बात बताइए, 6 मेंबर है ना, इसका एज क्या है? 25 एवरेज है। जो छोटा वाला है 4 साल का है, तो 4 साल पहले, मतलब कि जब छोटा वाला 0 साल का था, जस्ट पैदा हुआ तब, 6 मेंबर ही है अभी, एवरेज क्या होगा? 21, क्योंकि हर एक साल एवरेज एक से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन 5 मेंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? आप ऐसे समझिए, अगर एवरेज आपका 21 है 6 मेंबर का, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 126। लेकिन अब इस सम को 5 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 = 25, 125.2, 25.2 ईयर होगा। तो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब था 25.2, जैसे ही बच्चे ने पहली बार रोया एवरेज एज हो गया 21। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाए, क्योंकि पैदा होने पे उसके एज को क्या लेके चलना है? 0 लेके चलना है। तो इसी के साथ जो थर्ड टफेस्ट शिफ्ट था उसका सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये कहीं भी फ़ायदा पहुंचाया है तो फिर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और हाँ चैनल पे बने रहें, क्योंकि फिर हम लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर का सॉल्यूशन।